हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करंट अफेयर्स अप्रैल महीने के ये सेकेंड पार्ट है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो भी आसानी से पा सकें। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अमेरिका और किस कंट्री के बीच में एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है अफ्रीकन लायन 2019। ये हुआ था आपके अमेरिका एंड मोरक्को के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019 स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रेजिलियंस, ये रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया है। अगला प्रश्न है, सेबी जिसने एक एयरपोर्ट स्पेसिफिक फंड जारी किया है, इस स्पेसिफिक फंड एयरपोर्ट फंड में कितना हजार रुपया कैपिटल उठाया जा सकता है? तो इसकी लिमिट है 10,000 करोड़ रुपीज़। इंडिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्स जो कंटिंजेंट है उसे किस देश से निकाल लिया है? यानी कि इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है जो यूनाइटेड नेशन में जो एज काम करता है उस किस देश से निकाला गया है? तो वो लीबिया से हटाया गया है। आरबीआई ने जो वेज एंड मीन्स एडवांस होता है जो जिसकी लिमिट है वो 2019-20 के लिए फर्स्ट हाफ में कितना रखा है? तो वो है 75,000 करोड़ रुपीज़। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस बैंक का अपना नाम बदलने के लिए जो प्रपोजल दिया था उसे रिजेक्ट कर दिया है? तो इस बैंक का नाम है आईडीबीआई बैंक। आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक एलआईसी कुछ स्टेक उन्होंने खरीदा इसलिए वो नाम बदलना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो फिस्कल ईयर 2019-20 में कितने रहने की उम्मीद है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक? तो ये 7.5% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजैक हायक, इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि ओल्डेस्ट पर्सन जो कोई प्रोफेशनल सॉकर मैच खेला है, और ये किस कंट्री के निवासी है? यानी कि आइजैक हायक किस देश के हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र होने के बावजूद उन्होंने प्रोफेशनल सॉकर मैच खेला है? और ये इसराइल के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक येलो वेदर वार्निंग रेन के लिए जारी किया है, किस देश के लिए? येलो वेदर वार्निंग, पहले तो ये आप लोगों को जानना लेना चाहिए कि येलो वेदर वार्निंग क्या होता है, इसे प्लीज़ आप लोग गूगल में सर्च करें। और ये जारी किया था उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए। इंटरनेशनल रोमानी डे, ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 अप्रैल। रोमानी, जिप्सी, इन लोगों को नाजी लोग जो थे जर्मन में, यानी हिटलर की जो फोर्सेस थे उन्होंने इन्हें बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, तो वो रोमानी डे है, उनको याद में मनाने के लिए ये सब सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है और ये इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, याद रखिएगा, इन्होंने अपना वैलर डे सेलिब्रेट किया है। वो कितना नंबर का वैलर डे थे? डैट वॉज 54th वैलर डे ऑफ CRPF। दुनिया की कौन सी कंट्री है जिन्होंने इंटरनेट कंपनी को अकाउंटेबल बनाने के लिए अपना एक पॉलिसी फ्रेमवर्क उन्होंने डिज़ाइन किया है? दिस हैज़ बीन डिज़ाइन बाय यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडिया? प्रेसिडेंट का नाम है विक्रमजीत सिंह साहनी। अगला प्रश्न, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप रैंक में है और ये रैंकिंग जारी करने वाली है HRD मिनिस्ट्री, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो है IIT मद्रास। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले ही एक 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया था जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, म्यांमार और अमेरिका के प्रतिनिधि जो है इस स्पेशल फंक्शन में नागालैंड में उन्होंने वो शामिल हुए थे, किस बैटल की याद में? डैट इज़ अ वेरी फेमस बैटल ऑफ कोहिमा। इंडिया का सबसे पहला गेमिंग कौन सा कंपनी है, गेमिंग कंपनी जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है? इसका नाम है, इस कंपनी का ड्रीम 11, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रिसेंटली एक कमेटी फॉर्म किया है जिसका काम है वो देखभाल करेंगे कि इरोजन ऑफ द फ्लड प्लेन्स, यानी कि किस रिवर की वजह से फ्लड इरोजन हो रहा है उसके लिए कमेटी बनाया गया है। वो प्रश्न है कि वो कौन सी नदी है?
तो यमुना नदी के जो फ्लड प्लेन है उसका इरोजन हो रहा है, इसके देखभाल के लिए रोकथाम के लिए कमेटी बनाया गया है। विच नेशन रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विथ इट्स डायस्पोरा, यानी कि कौन सा कंट्री है जहां उसके जो बाहर रहने वाले निवासी हैं वो ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं। इस सिलसिले में इंडिया टॉप रैंक में है। द गवर्नमेंट हैज़ मैनेज टू मीट द रिवाइज फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 3.4% ऑफ द GDP। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ रवांडा जेनोसाइड ये किस दिन को मनाया जाता है, तो इट सेलिब्रेटेड ऑन 7th April। बोल्ड क्रू क्षेत्र 2019 एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किस कंट्री के बीच में, तो ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। विच नेशन हैज़ बिकम यूट्यूब्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, यूट्यूब सबसे ज़्यादा उभर रहा है और तेज़ी से बढ़ता हुआ मार्केट है और वो है हमारा इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड गोइंग पार्शियली पेपरलेस बाई स्टॉपिंग प्रिंटिंग ऑफ प्रेस रिलीजेज, यानी कि ये अब ये पेपरलेस हो जाएगा, यानी कि सारे काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशन। नेशनल सेफ मदरहुड डे इंडिया में किस दिन को मनाया जाता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11th April। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, उनका नाम है जीन माइकल लैपिन। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडियाज पॉपुलेशन ग्रीव एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ, यानी कि 2010 से 19 के बीच में इंडिया का पॉपुलेशन किस एवरेज एनुअल रेट से ग्रोथ किया है, तो इंडिया का पॉपुलेशन 1.2% एवरेज एनुअल रेट की ग्रोथ किया है। इंडिया और किस कंट्री ने एक ज्वाइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है टुवर्ड्स एड्रेसिंग द चैलेंजेस अराउंड स्मार्ट सिटीज एंड क्लीन टेक्नोलॉजी अमंग अदर्स, इस कंट्री का नाम है इंडिया एंड स्वीडन के बीच में ये प्रोग्राम जारी हुआ है। भारतीय गवर्नमेंट ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 13,500 करोड़ में T-90 टैंक्स 464 T-90 टैंक्स की खरीदारी की है, किस कंट्री से, ये खरीदारी रसिया से की गई है। विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वॉन द नेक्स्ट बिलियन एडटेक प्राइज 2019, एडटेक प्राइज 2019 जीतने वाला कौन स्टार्टअप है इंडिया का, उसका नाम है दोस्त एडुकेशन। न्यूजीलैंड पीएम सर एडमंड हेलेरी फेलोशिप फॉर 2019 किसे दिया गया है, इट हैज़ बीन गिवन टू इंडियाज दीपा मलिक। विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेक इट इट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ EVM यूज्ड, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट बिकॉज इन निज़ामाबाद मोस्ट सॉरी इन निज़ामाबाद मोस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अपियरिंग दिस ईयर फॉर लोकसभा इलेक्शन। विकी लीक्स फाउंडर जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने रिसेंटली गिरफ्तार किया, उनका उस फाउंडर का नाम क्या है, तो विकीलीक्स के फाउंडर का नाम है जूलियन असांजे, जो इक्वाडोरियन एम्बेसी में उन्हें पनाह दी गई थी रिसेंटली। इक्वाडोर के कंट्री ने इसे अपने जो उनको जो शेल्टर दिया था उन्होंने वापस ले लिया, आफ्टर दैट ब्रिटिश पुलिस अरेस्टेड हिम। अगला प्रश्न, अम्बेडकर जयंती साल में किस तारीख को मनाया जाता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th April। मोहम्मद शताए जो खबरों में आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये किस देश के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो मोहम्मद शताए पैलेस्टाइन के हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 में किस कंट्री को गेस्ट ऑफ द ऑनर कंट्री डिक्लेयर किया गया है, इट इज इंडिया विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द गेस्ट ऑफ ऑनर। सरस्वती सम्मान 2018 प्राइज किसे दिया जाएगा, उनका नाम है के शिवा रेड्डी। इंडिया में पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वोटर पार्क इनॉग्रेट किया गया है, और ये वोटर पार्क कहाँ इनॉग्रेट किया गया, इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम।
2019 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है इसका थीम क्या है? इसका थीम है यूनिवर्सल कवरेज एवरी वन एवरी वेयर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया, उसका नाम है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस एक्सपोर्ट्स वांटेड। वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। इंडिया के किस क्रिकेटर को 2018 का विजडेंस लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है? इट इज नन अदर देन विराट कोहली। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन चूजन फॉर रसियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल? ये रसिया का सबसे हाईएस्ट, जैसे हमारे भारत रत्न है, वो किस पर्सनैलिटी को दिया जाएगा? उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो प्लीज़ दिस वॉज टूडेज करेंट अफेयर्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेरी सून नेक्स्ट पार्ट ऑफ करेंट अफेयर एंड अदर स्टफ विल बी पोस्टेड ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।